आज का हमारा चर्चा का विषय है विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट या दृश्य कला या अनुप्रयुक्त कला, अनुप्रयुक्त कला इसे उपयोगी कला भी कहते हैं। ये वे कलाएं हैं जो आँखों से देखी जाती है, जैसे ड्राइंग और पेंटिंग, और वे कलाएं जो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण पैदा हुई, जैसे मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी और इंस्टॉलेशन आर्ट। इंस्टॉलेशन आर्ट क्या होता है आगे जानेंगे। इंस्टॉलेशन आर्ट एक आंदोलन या शैली के बजाय कलाकृति के उत्पादन और प्रदर्शन का एक तरीका है। इंस्टॉलेशन आर्ट में पारंपरिक और गैर पारंपरिक मीडिया शामिल हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग, मूर्तिकला, रेडीमेड मिली हुई वस्तुएं, ड्राइंग और टेक्स्ट यानी लिखित हुए लाइनें, जैसे अंग्रेजी की लाइनें हो चाहे हिंदी की लाइनें, अखबार में लिखी हुई वैसे के वैसे काट के लगा दी। दृश्य कला उन कला रूपों को कहते हैं जो संदेश, अर्थ और भावना को व्यक्त करते हैं। दृश्य कलाओं को सजावटी या वाणिज्यिक या ललित कला के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, सेरेमिक, फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म मेकिंग, कॉमिक्स, डिज़ाइन, शिल्प और वास्तुकला जैसे कला रूप हैं। ये कला के रूप हैं जो जिनको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। ये सब दृश्य कला में आते हैं, जिन्हें देखा जा सके आँखों से। दृश्य कलाओं में अनुप्रयुक्त यानी उपयोगी कलाएं भी शामिल है, जैसे औद्योगिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, और इन्हें सजावटी कला भी कहते हैं हिंदी में अगर कहेंगे। ये सब साज और सज्जा से संबंधित है, सजावट से संबंधित है। दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट जिसे कहते हैं, कला का वह रूप है जो मुख्यतः दृश्य यानी दृश्य प्रकृति की होती है। दृश्य यानी जिसे देखा जा सके, इसकी प्रकृति दृश्य है, दृश्यात्मक यानी जिसे देखा जा सके आँखों से, जैसे रेखाचित्र, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र आदि। आजकल दृश्य कला में ललित कलाएं तथा हस्तकलाएं भी शामिल मानी जाती हैं। दृश्य कलाएं मूल सचित्र, ग्राफिक और मूर्तिकला कार्य है, जिनमें ललित, ग्राफिक और अनुप्रयुक्त कला यानी उपयोगी कला के दो आयामी और तीन आयामी कार्य शामिल है। अब दो आयाम और तीन आयाम क्या है, पहले तो ये समझना। दो आयाम में चित्र आते हैं जिसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है, और तीन आयाम में मूर्तियां आती हैं जिसे हम हाथ में उठा के उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देख सकते हैं। और बड़ी मूर्ति हो तो हाथ में उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तीन आयामी होगी क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आप देख सकते हो। चित्र के तीन आयाम नहीं दिखाई दे सकते क्योंकि वो दीवार से चिपका हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी आपको चित्र में, मोटाई नहीं दिखाई देगी। मोटाई का सिर्फ आभास दिखा सकते हो आप चित्र में, आभास अलग चीज़ होती है, ठोस रूप में नहीं दिखाई देगा, ठोस रूप में आपको मूर्ति ही दिखाई देगी तीन आयाम और दो आयाम। समझ आ गया। दृश्य कला कार्यों के उदाहरण विज्ञापन, वाणिज्यिक, प्रिंट, लेबल, कृत्रिम फूल और पौधे, ये सब कला में आएगा। आरंभ में सिर्फ चित्र और मूर्तियाँ जो गुफाओं में प्राप्त हुई हैं, जो मूर्तियों में मूर्तियाँ बनी हैं, सिर्फ आरंभ जो कला हुई थी वहीं से हुई थी, लेकिन अब तक कितने तरह की कला हो चुकी और उसको बनाने के कितने ही माध्यम हो गए, आगे हम पढ़ेंगे। चित्रकारी, भारत की चित्रकारी की विरासत तो आदिम युग से चली आ रही है, जब आदमी गुफाओं, चट्टानों से बने घरों में रहते थे। प्रारंभ में चित्रकारी की शुरुआत इसलिए हुई कि लोग रेखाचित्रों या आकृतियों के जरिए एक दूसरे को अपनी बात कह सके। धीरे धीरे इसके कला का रूप ले लिया, जिसका प्रमाण होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर और भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। भित्ति चित्र यानी जो दीवारों के चित्र होते हैं उनको म्यूरल भी बोलते हैं। परंपरागत भित्ति चित्रकला महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में देखी जा सकती है। इस चित्रकारी का विषय बौद्ध संप्रदाय है। बौद्ध गुफाओं से
संबंधित जातक कथाओं पर चित्र बने हैं। अज्ञात कलाकारों ने मिलकर बड़ी शालीनता और हल्के सुंदर रंगों से इनका चित्रण किया। सिंधु घाटी में पाए गए चित्रों से उस समय की कला का संकेत मिलता है। मिट्टी के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से पता चलता है कि वे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुओं को भी अलंकृत करते थे। फिर जो चित्रकारी का रूप आगे जाके विकसित हुआ उसको कहते हैं लघु चित्र, यानी पोथी चित्र, जिसे किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में बनाया गया। 11वीं सदी के आने तक भित्ति चित्रों का आकार कम होते होते एक ताड़पत्र की पट्टी जितना रह गया। यहीं से शुरू हुई हस्तलिपि चित्रकारी। बौद्ध गाथाएं सुनाने के लिए बंगाल और बिहार में हस्तलिपि का आरंभ हुआ। हस्तलिपि यानी हाथ से लिखी हुई भाषा, और उसमें छोटे छोटे चित्र भी शामिल हो गए। चित्रकारी में प्रतीकों के प्रयोग से इसके प्रसंगों में विविधता आई। जैसे चित्रात्मक मैगजीन होती है ना, चित्रों वाली किताबें आजकल मैगजीन होती है, उस समय में जो धार्मिक पुस्तकें थी उसमें भाषा भी लिखी हुई है और चित्र भी हैं, उसको बोलते हैं पोथी चित्र, लघु चित्र जिसमें होते हैं, लघु चित्र भी बोलते हैं। प्रतीक प्रयोग भारतीय लघु चित्रकारों की दृश्य अभिव्यक्तियों का और प्रकृति से संबंध का भाव था। प्रतीक प्रयोग रेखाओं के चित्रण और रंग सज्जा के अपने मूल कार्य से परे उनके भावों की अभिव्यक्ति भी हुई है। भारत में मुगलों के आगमन से भारतीय चित्रकारी एक सुदृढ़ चित्रात्मक शैली को नया रूप मिला। यानी जब मुगल शासक आए तो अपने साथ अपनी कला शैली को भी लाए, और भारतीय कला शैली और मुगल कला शैली मिलके एक नई शैली यानी नया रूप आया। समझ में आ गया? जो परंपरागत फारसी लघु चित्र कला से भी प्रभावित थी। मुगलों की रुचि साम्राज्य स्थापित करने और उस तरह से भवन निर्माण में ज़्यादा थी। केवल महान मुगल बादशाह अकबर ने कला को प्रोत्साहन दिया और फारसी तथा इस्लाम की कला शैलियों को मिलाकर लघु चित्रकारी की पुनरुत्थान किया। मतलब दोनों शैलियाँ, फारसी यानी मुस्लिम कला शैली और भारतीय कला शैली को मिला के जो शैली उत्पन्न हुई, इस्लाम की कला शैलियों को मिलाकर लघु चित्रकारी का पुनरुत्थान किया। ठीक है, अकबर के दरबार में जो कलाकार थे वे सामान्यतः प्रतिकृतियों, दरबारी जीवन, युद्ध के दृश्यों और प्रकृति का चित्रण करते थे। लेकिन इस कला ने उस समय जोर पकड़ा जब सम्राट अकबर ने रामायण और महाभारत जैसी भारतीय पुस्तकों के अनुवाद करने और सचित्र प्रदर्शन की इजाज़त दी। अकबर के पुत्र जहांगीर ने भी कला को प्रोत्साहन दिया और उसके शासनकाल में भी कला ने बहुत उन्नति की। मुगल दरबार के कलाकारों ने बाद में राजपूत राजाओं के शिल्पकारों को अपने साथ मिला लिया। रेखाओं में चित्रित और रंगों से सजाई गई राजपूत चित्रकारी में उस देश की पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं, राम कृष्ण की कहानी, भागवत और गीत गोविंद को दर्शाया गया। राजपूत के शासनकाल में चित्रकारी की जिन शैलियों का आधिपत्य रहा वे खास राजस्थानी शैलियां हैं, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ चित्रकारी, जिसमें राधा और कृष्ण को दिखाया गया है। प्रतापी राजपूत योद्धाओं द्वारा स्थापित पहाड़ी राज्यों में जिन चित्रकलाओं ने उन्नति की उनमें बसोली शैली, कुल्लू लोक शैली व्यापक प्रस्तुतियों के कारण बेजोड़ है। संगीत के पौराणिक स्रोतों को दक्षिण की तंजोर शैली में दर्शाया गया है। चित्रात्मक रूप में वाद्य यंत्र बनाया है और वाद्य यंत्रों के साथ देवी देवताओं को बनाया है, जैसे सरस्वती को वीणा के साथ। तो इस प्रकार चित्रों में वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ है। आसपास जैसे संगीत गोष्ठी के ऊपर विषय पर चित्र बने हैं तो उसमें वाद्य यंत्र दिखाए हैं। तो चित्र के माध्यम से उस समय जो प्रचलित थे संगीत के वाद्य यंत्र उनको दिखाया गया है और आज भी हैं। समकालीन कला। भारत में ब्रिटिश राज्य को प्रभुत्व बढ़ने से सृजनात्मक भारतीय कला की बहुत क्षति हुई। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कलाओं को जल रंग और तेल रंग से प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण सिखाया। शीघ्र ही देश में एक राजनीतिक लहर उठी जिसने प्रसिद्ध बंगाल स्कूल का पुनरुत्थान हुआ।
अवनींद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस जैसे महान कलाकार इस स्कूल के अग्रसर थे। बंगाल में जो स्कूल है शांति निकेतन जिसे बोलते हैं, वो कलाकारों का स्कूल है, जैसे नर्सरी के जी बच्चों के स्कूल होते हैं वो स्कूल नहीं है, कलाकारों का एक स्कूल है। मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला आरंभ से ही यथार्थ रूप लिए हुए है, जिसमें मानव आकृतियों में प्राय पतली कमर, लचीले अंगों और एक तरुण और संवेदनपूर्ण रूप को चित्रित किया जाता है। तरुण यानी युवावस्था, देवी देवताओं को देखा है कभी बूढ़ा नहीं दिखाया है उनके चेहरे, चाहे देवी हो चाहे देवता हो। युवा मतलब जैसे युवतियाँ होती हैं, एक बालक होता है उसके चेहरे पे जो सौंदर्य होता है वो सौंदर्य दिखाया गया है, जैसे बूढ़े बुढ़िया नहीं होते, मुरझाए हुए चेहरे, झुर्रियाँ, ये चीज़ नहीं है मूर्तियों में खास, तो इसलिए ये शब्द प्रयोग हुआ है, तरुण और संवेदनापूर्ण रूप को चित्रित किया जाता है। भारतीय मूर्तियों में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से लेकर असंख्य देवी देवताओं को चित्रित किया गया है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति प्राचीन मूर्तिकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। दक्षिण के मंदिरों जैसे कि कांचीपुरम, मदुरई, श्रीरंगम और रामेश्वर तथा उत्तर में वाराणसी के मंदिरों की नक्काशी उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। केवल यही नहीं, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर और उड़ीसा के सूर्य मंदिर में एक उत्कृष्ट कला का जीता जागता रूप है। सांची स्तूप की मूर्तिकला भी बहुत भव्य है, जो 3rd सदी ईसा पूर्व से ही इसके आसपास बनाए गए तोरण द्वारों को अलंकृत कर रही है। मामल्लापुरम का मंदिर सारनाथ संग्रहालय के शेर मस्तक, जहां से भारत की सरकारी मोहर का नमूना तैयार किया गया, 3 शेर नहीं है जो 3 शेर का मुंह दिखाई देता है जो पीठ से मिले हुए हैं और उनके नीचे एक चक्र सा है, ये जो चिन्ह है ये मौर्य काल सम्राट अशोक के समय का है, और प्राचीन चिन्ह ये आज भी नोटों पे दिखाई देता है और ये हमारा राष्ट्र चिन्ह है। मौर्यकालीन पत्थर की मूर्ति महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को चित्रित करने वाली अमरावती और नागार्जुन गोंडा की वास्तुशिल्पीय मूर्तियाँ इसके अन्य उदाहरण हैं। हिंदू गुफा वास्तुशिल्प की पराकाष्ठा मुंबई के निकट एलिफेंटा गुफाओं में देखी जा सकती है, और इसी प्रकार एलोरा के हिंदू और जैन शैल मंदिर, विशेष रूप से 8वीं शताब्दी का कैलाश मंदिर वास्तुशिल्प का सुंदर रूप है। वास्तुशिल्प यानी वास्तुकला और शिल्प यानी मूर्ति दोनों का सुंदर रूप है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, इतिहास के कलाखंडों के समृद्ध साक्ष्य संकेत कहते हैं कि भारतीय कला का स्वरूप विस्तृत है और समय के साथ साथ ये और भी विस्तृत होता जाएगा। आज का चर्चा का विषय यहीं समाप्त होता है।